अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अक्ष के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी है, तिनको स्वरूपे जाने राधते भई जो भक्ति काई को नमाई स्तुति को चारी है। धन धन तिन ते काज सब आज भए, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्रिय चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और अंतिम लंब अंतिम चैप्टर की यहाँ चर्चा चल रही है। जीवंदर कुमार राजा तो बन ही गए, राज्य में चारों ओर खुशहाली का माहौल था। राजा कैसे अच्छे होते हैं उस विषय को यहाँ बताया जा रहा था, और फिर कहा जीवंदर कुमार की दिनचर्या भी इतनी व्यवस्थित थी कि वे सभी कार्य योग्य समय पर किया करते थे। अयोग्य समय पर कार्य करने से वह कार्य बहुत परिश्रम करने पर भी सफल नहीं होता, परिश्रम बहुत ज्यादा किया फिर भी सफलता नहीं मिली, और योग्य समय पर काम कर लेने पर अल्प परिश्रम में भी विशेष फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, समय पर काम करो। देखो हम जैसे बात करें, आपको अपनी पुत्री के लिए वर देखना है तो 20-22 साल की उम्र में यदि आप देखेंगे तो आपको योग्य वर अल्प परिश्रम में मिल जाएगा, लेकिन यदि 28-30 होने के बाद देखो तो बहुत मेहनत करने, अब 30 साल के हो गए, 31 साल के हो गए, अब बहुत परिश्रम करने पर भी योग्य नहीं मिलता। समझ रहे हैं, माने सब जगह पर लागू होगी ये बात, दुनिया की हर फील्ड में ये बात लागू होगी। आपने जो कार्य करने का योग्य समय था उस समय को तो गंवा दिया, उस समय को तो निकाल दिया, और फिर समय निकल जाने के बाद अब हाथ पांव मार रहे हो तो क्या होगा। बीमारी का इलाज समय पर ही हो जावे, शुरू हो जावे तो बिल्कुल आप उस बीमारी से फ्री हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो, लेकिन यदि आपने देर कर दी, आपने यदि उसके बारे में इंतजार करते रहे, अभी तो क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर वो बीमारी ऐसा घर कर लेती है कि वो बहुत परिश्रम करने पर भी वो आसानी से छूटती नहीं है, वो निवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखो बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ इन्होंने इस संदर्भ में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, गीली मिट्टी का घड़ा। बहुत सुंदर उदाहरण था, मिट्टी गीली है, कुम्हार द्वारा घड़ा बनाया गया है, आप कुम्हार उसे कोई भी शेप दे सकता है, जैसा चाहेगा वैसा आकार दे देगा उसे, उसी गीली मिट्टी से वो शकोरे बना सकता है, सुराही बना सकता है, घड़ा बना सकता है, कलश बना सकता है, छोटे छोटे से दीपक बना सकता है, उसी गीली मिट्टी से वो चाहे जैसा आकार दे दे उसको, थोड़ा सा आकार गोल कर दिया तो घड़ा हो गया, और थोड़ा सा ऊपर से उसका मुंह छोटा कर दिया तो सुराही बन गई। माने वो आकार कैसा दिया जाए
ये गीली मिट्टी यदि होगी तो किया जा सकता है, लेकिन यदि समय निकल गया और वो मिट्टी गीली से सूख गई और पका दी गई, और अब आप जो कुछ भी करने का प्रयास करोगे कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। पक जाने के बाद उसको शेप नहीं दिया जा सकता है, पक जाने के बाद उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, वो तो गया समझ लो, फिर तो तड़क जाएगा, टूट जाएगा वो, लेकिन कुछ बन नहीं पाएगा। वही बच्चों के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं कि छोटी उम्र में यदि बच्चों को अच्छे संस्कार दे दिए, थोड़ा दबाव डाला, जैसे कहते हैं ना गीली मिट्टी में कुम्हार दबाव डालता है मिट्टी के ऊपर तो शेप निखर आता है, इसी तरह से छोटे बच्चों को 15 साल की उम्र तक ठोक ठोक कर सही शेप सही आकार दे दो, लेकिन उसके बाद क्या होगा बोले फिर बहुत पक्के एक बार पक जाने के बाद फिर उसे किसी भी प्रकार का आकार नहीं दिया जा सकता है। तो ये संस्कारों के महत्व के संदर्भ में ये बात कही गई है, बाद में तो वो घड़ा फूट जाएगा और उसे योग्य आकार देना संभव नहीं हो पाएगा, कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे आप, हट पूर्वक भी नहीं कर पाएंगे, जबरदस्ती करके भी नहीं कर पाएंगे, घड़ा पक जाने पर अब उस पर जबरदस्ती नहीं चलती, आपकी जिद नहीं चलेगी, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, बच्चों पर तो आपने चला ली क्या, अब बड़े हो जाने के बाद अब चला करके देखो अब कैसे चलेगी, अब नहीं चल सकती है उनके ऊपर कुछ भी। देखो राज्य शासन और तप की समानता, भाई साहब ये जो राज्य शासन है और तप है इन दोनों में ही समानता कह रहे हैं यहाँ। अब पहले पढ़ता हूँ फिर करूँगा देखो आपसे बात। तपसा ही समम राज्यम योग क्षेम प्रपंचत है, प्रमाते सत्य धर पाता अन्यथा च महोदयात्। पूरा का पूरा श्लोक कथा से संबंधित नहीं है, अत्र नीति है निश्चय से योग और क्षेम के विस्तार से तप के समान राज्य है, अर्थात जिस प्रकार तप में योग और क्षेम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार राज्य में योग और क्षेम की आवश्यकता है। कुछ समझ में आया क्या आपके? क्षेम माने तो क्षमा है, क्षमा धैर्य, ये क्या कह रहे हैं, ये यही अर्थ है क्षेम शब्द का अर्थ। तो हाँ जैसे कुशल क्षेम कहते हैं ना, आपके कुशल क्षेम, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, कुशल क्षेम मतलब क्षेम माने देखो क्या कह रहे हैं, हाँ विशेष अर्थ में बता रहे हैं क्षेम, क्षेम शब्द का अर्थ, क्षेम का अर्थ प्राप्त की हुई वस्तु की सुरक्षा, क्षेम माने सुरक्षा। तो बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, योग और क्षेम, जैसे कुशल क्षेम पूछते हैं तो क्या आपकी कुशलता सुरक्षित है क्या, अभी ये कह रहे हैं आप योगों का बहुत महत्व है, किसमें, तपश्चर्या के लिए, और क्षेम का बहुत महत्व है उस तप की सुरक्षा के लिए, ये तपश्चर्या है, और कह रहे राज्य संचालन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, इसलिए कभी कभी तो ऐसा कहते हैं, आपने कदाचित सुना होगा कहीं कि संयम और त्याग उसमें तो बहुत परिश्रम लगता ही है, पुरुषार्थ लगता ही है, लेकिन गृहस्थी भी कम बड़ी तपस्या नहीं है क्या, उसमें भी पावड़ बेचने पड़ते, क्या कह रहे हो आप, वो भी तपस्या है,
माने वो गृहस्थी की तपस्या अलग प्रकार की है और त्याग देने पर की जाने वाली तपस्या अलग प्रकार की है। त्याग देने के बाद जो तपस्या की जाती है वो तो सारा जगत जानता है, लेकिन राज्य संचालन में की जाने वाली तपस्या, राज्य संचालन माने अपने अधीनस्थ को संभालना, यही तो तपस्या है। अपने अधीन रहने वालों को संभालना ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये व्यवस्था बहुत कठिन है। राज्य चला गया, बोलो आप, थोड़ा सा भी संभाल नहीं पाया राजा सत्येंद्र तो राज्य चला गया हाथ से और परिवार से हाथ धोना पड़ा। हाँ वही, निगाह हटी, नजर हटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। अब जैसे राजा अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों पर पूरी श्रम से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से, वो तपस्या है उनकी बहुत कठोर, उनको सबको संभालते हैं, उसी तरह से आपको अपने परिवार को संभालना है, उसी तरह से आपको अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को संभालना है। उन्हें यदि आप व्यवस्थित रीति से नहीं संभालेंगे तो वे बगावत पर उतर आएंगे। आपने यदि ढंग से नहीं संभाला तो हाथ से निकल जाएंगे। ये सब बात समझा रहे हैं। देखो आप पढ़ लिया ना, अपन ने पूरा, ये पूरा नहीं पढ़ा, आधा पढ़ाया। देखो, प्रमाद होने पर अर्थात राजा और तपस्वी राज्य पालन और तपस्या में यदि प्रमाद करे तो दोनों का अधःपतन होता है, और प्रमाद रहित योग और क्षेम पालन करने से दोनों का महान उदय होता है। आप गृहस्थी संभालते समय भी बहुत प्रमाद छोड़ करके, आलसी व्यक्ति गृहस्थी नहीं संभाल सकता। प्रमादी व्यक्ति के भरोसे बच्चों का लालन पालन अच्छे से नहीं हो सकता। आपको तो भागना पड़ेगा ले ले करके, बीमार पड़ गया डॉक्टर के भागना है, संभालना है, एक एक अक्षर ABCD को बार बार 50-50 बार लिखाना है, उंगली पकड़ करके चलाना है, सिखाना। आप थोड़े बहुत भी यदि उसमें असावधानी रखी तो न तो वो ढंग से बोलना सीखेगा, न कोई ढंग से काम करना सीखेगा। ये आपकी असावधानी का सूचक है, ये समझ लो। आप ये भी कह सकते हैं साहब कितनी भी सावधानी रखे, जो हो ना रहे वो तो होगी, वो तो ठीक है। हाँ, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो उनको उनको राजा की उपमा दे करके समझना, यहाँ आपका परिश्रम बहुत लगेगा उसमें, ऐसे बच्चे बड़े नहीं हो जाते। जन्म लेने से लेकर और जब तक उनके शादी विवाह आदि हो जाए, मतलब जब तक उनको दूसरों के हाथों में न सौंपते हुए, तब तक संभाल दे रहा हूं। ये अब इनको संभला दिया, अब तुम संभालो भाई, अब क्या करें, तब तक संभालते रहो आप उनको, उनका खाना, उनका ओढ़ना पहनना, उनके कपड़े, उनकी व्यवस्थाएं, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छी आजीविका, अच्छा बिजनेस, बिजनेस समझाना, बिजनेस कैसे किया जाता है, एक एक कदम कदम पे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और आपको अपने जीवन के अनुभवों को उनको सिखाना पड़ेगा। ये कोई कम तपस्या नहीं है। जो देखो ये कितनी कठोर तपस्या है, इसको वे त्यागी तपस्वी क्या जाने इस तपस्या को। लोग कहते हैं ऐसा, ये बहुत कठोर तपस्या है भाई साहब, आप मोदी क्या जाने छोड़ करके चले गए, तुम संभालो तो तुम्हें पता लगे। पेरेंटल केयर, देखो आप क्या कह रहे हैं यहाँ, अभी दोनों में बहुत परिश्रम। अब तपस्या में कितना परिश्रम लगता है, मन वचन का एकाग्र नहीं हो आपके तो कर लो तपस्या, कैसे करोगे आप। नंगे पांव चलना है, धूप है तेज, गर्मी बहुत तेज है, तेज हवाएं चल रही है, आप यदि आपके मन वचन काय पर कंट्रोल नहीं है तो आप कैसे उस तपस्या को कुशल रीति से कर पाएंगे। कर्म निर्जरा की कारण बनने वाली वो तपस्या, वो आपके माध्यम से आसान हो नहीं सकती है।
पुरुषार्थ लगेगा उसमें, भले ही वो देह की क्रिया हो जड़ की क्रिया हो, लेकिन पुरुषार्थियों द्वारा की जाती है। जो जीव पुरुषार्थी नहीं है वे न तो गृहस्थी में सफल होते हैं और न संन्यास में सफल होते हैं, एक है। और पुरुषार्थी व्यक्ति, पुरुषार्थ की जरूरत गृहस्थी में भी चाहिए और संन्यास में भी चाहिए, कदम कदम पे चाहिए। तो जीवंदर कुमार की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जीवंदर कुमार जो शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, माने अपने अधीन काम करने वाले मंत्री हैं, सेनापति हैं, सभा में बैठने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो भी सक्रियता से उस राज्य शासन व्यवस्था को संभालते हैं, उन पर कितना कंट्रोल होगा। थोड़ा सा कंट्रोल यदि चला जाए ना तो नौकर आप पे हावी हो जाता है, आपके सर्वेंट आप पे हावी हो जाते हैं, फिर वो इतने हावी हो जाते हैं आपके ऊपर कि आपकी चलती हुई चर्चा में बीच बीच में बोलेंगे, कुछ भी जवाब देंगे, कुछ भी उल्टा, कभी कभी तो हो सकता है आप आपके ऊपर तेजी से भी जवाब दे दे रहे, वो ऐसा ऐसा समझने लगते हैं अपने आप को जैसे कोई बहुत। तो आपने यदि कंट्रोल में नहीं रखा, आपकी शासन व्यवस्था कमजोर है, इसका मतलब आपकी व्यवस्था कमजोर है। कहते हैं ना, नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। आप क्या दोष दे रहे हो उसको, मालिक को ही होश नहीं है तो उसे दोष दिए जा रहे। देखिए सरल अर्थ में, राज्य शासन नंबर वन पहली चीज, और योग क्षेम, राज्य शासन योग और क्षेम के विचार से तप के समान है, माने तप में भी योग की जरूरत है, तप में भी क्षेम की जरूरत है और राज्य शासन में भी योग क्षेम की जरूरत है, इस तरह से दोनों को समान कह रहे हैं। दो बातें कही है जो दोनों में समान रीति से लागू होती है, राज्य शासन हो या तपश्चरण हो, दोनों में ही, क्योंकि राज्य और तप के योग क्षेम के विषय में प्रमाद करने से दोनों का अधः पतन होता है। तपस्वी था, थोड़ा सा प्रमाद करने लगा, मन वचन काय पे कंट्रोल नहीं रखा, थोड़ा सा भोजन ज्यादा खा लिया, अब ठीक है अच्छा भोजन, 3 दिन से तो उपवास चल रहे थे, आज अच्छा भोजन मिल गया है तो भर पेट खा लो, कल का क्या भरोसा मिले नहीं मिले। सुनो भाई, तुमने यदि कंट्रोल नहीं रखा तो तुम्हारी तपस्या चली जाएगी। कितने कंट्रोल की जरूरत है, 5 इंद्रियों के विषयों पर कंट्रोल, उपयोग की एकाग्रता, मन की चंचलता को रोकने के लिए कंट्रोल, उपयोग को अपने स्वभाव सन्मुख करके एकाग्र करने के लिए कितना पुरुषार्थ लगता है। यदि बिना पुरुषार्थ के ही हो जाता हो तो फिर कोई भी व्यक्ति मोक्ष मार्गी क्यों नहीं हो जावे, सभी के होना चाहिए। इसलिए टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में लिखा पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, लेकिन फिर चर्चा की उन्होंने आगे चल के बहुत विस्तार से कि तू गलत पुरुषार्थ करके सम्यक फल चाहे तो कैसे हो, सब बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये क्या पुरुषार्थ कर रहा है, भागदौड़ हो रही है तेरी, शरीर का कठोर आचरण इसे तू पुरुषार्थ समझ रहा है, वास्तव में देह का कठोर आचरण यह सच्चा पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ जरूरी है, योग माने मन वचन काय की चंचलता, और क्षेम शब्द का अर्थ किया सुरक्षा, तो मन वचन काय की चंचलता को रोकना ये योग कंट्रोल में, और सुरक्षा हो, ये दोनों चीजें, अपने तप की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा, दोनों में बहुत पुरुषार्थ है। हाँ, चरणानुयोग पूरा मर्यादा सिखाता है, चरणानुयोग यह सिखाता है आपका जीवन मर्यादित होना चाहिए, ये सब चरणानुयोग में ही है शामिल। चरणानुयोग का स्थूल रीति से जितना विस्तार कर सको, ये सब विस्तार जो कल हमने चर्चा की थी आपसे, कल परसों जो 2 दिन चर्चा हुई है ना, वो सब उसी का विस्तार है, चरणानुयोग का ही विस्तार है। जितनी मर्यादा की हमने बातें कही आपसे, ये सारी बातें चाहे गाड़ी चलाते समय हो, चाहे रोड क्रॉस करते समय हो, चाहे सब सब जगह पर, वो भी चरणानुयोग है। चरणानुयोग आपको ये कहता है कि आप रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे,
चरणानुयोग ये कहता है कि आप रॉन्ग साइड ड्राइव नहीं करेंगे, चरणानुयोग ये कहता है कि बिना बेल्ट लगाए हुए नहीं चलेंगे, चरणानुयोग ये कहता है कि बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे। अब आप कहोगे साहब ये कौन से चरणानुयोग के शास्त्रों में लिखा है, कौन से चरणानुयोग के शास्त्रों में लिखा है? तो चरणानुयोग के शास्त्रों में अनीति अन्याय और अभक्ष्य के त्याग की बात लिखी के नहीं लिखी? लिखी है ना। अनीति नहीं होनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए और अभक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं अनीति क्या है? आपके यहां यदि हेलमेट कंपलसरी है दोनों लोगों को, तो और आप यदि नहीं लगा रहे हैं, इसका नाम अनीति है। नीति नहीं, नीति नहीं। लोक विरुद्ध और कानून और सरकार के विरुद्ध आचरण ये अनीति कहलाता है। अनीति किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होती, अन्याय किसी व्यक्ति के विरुद्ध होता है। किसान इन्होंने अन्याय किया कि किसके साथ अन्याय, किसके साथ किसान इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इन्होंने बहुत अन्याय किया है इनके इनके प्रति, तो अन्याय में व्यक्तिगत है। अनीति किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करती, लेकिन नियमों के विरुद्ध काम किया ये अनीति। शासन विरुद्ध, समाज विरुद्ध, ये नैतिकता नहीं है। नैतिकता नहीं है कहते हैं ना अपन कभी कभी कि साहब ये नैतिकता नहीं है, तो नैतिकता तो होनी चाहिए। नैतिकता मतलब लोक विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए, उसका नाम है नैतिकता। तो इस तरह से चरणानुयोग में वो बाह्य बातें भी शामिल होती है जो बहुत दूर दूर तक हम चले गए थे। देखिए राज्य और तप के योग क्षेम के विषय में प्रमाद करने से दोनों का अधः पतन, अधः माने होता है नीचे और पतन माने होता है गिरना, अधः पतन दोनों ही छूट जाएंगे, न आपका राज्य संभलेगा न आप तपश्चर्या में सफल हो पाएंगे। और प्रमाद छोड़ने से दोनों का महत्व महान उत्कर्ष होता है। प्रमाद मत करो, बिजनेस में प्रमाद करो आप तो क्या होगा, वहां तो नहीं करता कोई भी, बिजनेस में तो नहीं करता कोई भी आदमी प्रमाद, करके देखो थोड़ा सा। प्रमादी व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, प्रमादी व्यक्ति गृहस्थी नहीं संभाल सकता, प्रमादी व्यक्ति राज्य शासन नहीं संभाल सकता, प्रमादी व्यक्ति अच्छा भोजन नहीं बना सकता, प्रमादी व्यक्ति भोजन में कुशल नहीं होगा बनाने में, प्रमादी आलसी व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसमें सफल नहीं हो सकता, रोता रोता करेगा। उसको कोई एक काम बता देगा मतलब माथे पे 3 साल और मानो भारी बोझ से दबा जा रहा हूं, मेरे से तो कोई मैं तो काम बता दिया मुझे मेरे से नहीं हो सकता। पहले ही फर्स्ट स्टेप पर ही ना निकलता है, और यदि ना नहीं निकलेगा तो प्रश्नवाचक बहुत सारे, तो कहाँ है, तो कैसा है, तो फिर क्या कैसे हो, दुनिया भर के प्रश्न सामने रख देगा प्रमादी व्यक्ति। तो अब वो प्रमादी व्यक्ति को कहो तपश्चर्या, प्रमादी व्यक्ति को कहो यहां से यहां विहार करना है, अब क्या तप करेगा, इतना चलना पड़ेगा हमसे तो नहीं हो सकता, ऐसा नियम पालना पड़ेगा मेरे से तो नहीं हो सकता। तो प्रमादी व्यक्ति तप भी नहीं कर सकता, प्रमादी व्यक्ति राज्य भी नहीं संभाल सकता, समानता हो गई दोनों में। देखो आगे बढ़ते हैं, कभी नहीं प्राप्त वस्तु के पाने को योग कहते हैं। लो मन वचन काय की जगह वस्तु के प्राप्ति का योग की बात कह दी इन्होंने। जिस वस्तु को तुमने प्राप्त नहीं किया हो उस वस्तु के प्राप्ति को योग कह रहे हैं यहां। अरे साहब योग होगा तो काम होगा, योग शब्द का प्रयोग संबंध के संबंध में जरूर करते हैं लोग, संबंध के संबंध में योग नहीं मिलता, इस काम का योग नहीं है, योग आएगा तभी काम होगा। हाँ योग योग नहीं है इस काम को करना है, योग मतलब काल लब्धि समय, किसी भी वस्तु के प्राप्ति पाने को योग कहते हैं, और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। प्राप्त वस्तु की रक्षा और प्राप्ति ये दो बातें हो गई, तो राज्य की प्राप्ति और राज्य की सुरक्षा, संयम अंगीकार करना
और संयम की सुरक्षा। तपश्चरण धारण करना और तप की सुरक्षा, समझ रहे हैं आप? पुरुषार्थ ही कर सकता है। देखिए विशेषार्थ, राज्य शासन की अपेक्षा योग शब्द का अर्थ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ प्राप्त की हुई वस्तु की सुरक्षा है। इस जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण की दृष्टि से इन दोनों शब्दों के अर्थ ऐसे किए गए। क्या क्या अर्थ किए गए? एक अर्थ तो कर दिया योग है, वस्तु की प्राप्ति योग, और क्षेम का अर्थ कर दिया सुरक्षा। हाँ, जो राजा प्रमाद को छोड़कर अप्राप्त वस्तु, जो प्राप्त नहीं है वो वस्तु, प्रदेश, धन धान्य आदि की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, प्रमाद को छोड़कर प्रयत्न करते हैं और प्राप्त वस्तु की सुरक्षा के लिए सदैव जागरूक रहते हैं, उनका राज्य स्वयमेव ही सतत उत्कर्ष को प्राप्त होता रहता है। उत्कर्ष माने तरक्की, उत्कर्ष माने ऊंचाइयां, विकास होना। तो कब विकास होगा, कैसे विकास होगा? जो योग्य रीति से चलते रहेंगे, जिनमें ये दो गुण होंगे। अब ये मैं तो वास्तव में, जब बात राजा की आती है तो आप अपने आप को देखो, नहीं तो फिर वो कथा बन करके रह जाएगी। फिर आप कहोगे साहब आजकल तो राजाओं का जमाना ही नहीं है, आज के जमाने में कहाँ राजाओं की बात कर रहे हो, सभी राजा हैं, अपने घर के राजा आप ही हो, सबके पते क्या, मोहल्ले के भी राजा होते हैं लोग क्या, अपने फील्ड के राजाओं की तो कल हमने बात की थी, ये तो है किशन बोल के राजा है। तो बहुत होता है इस तरह का। आप कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? सब जगह पर मास्टर साहब, आप जब हेड मास्टर थे तो आप अपने स्कूल के राजा थे, सही है कि सारे स्कूल में हमारा कंट्रोल चलता है, तो हम वहां के राजा हैं हम। तो अब ये उस राज्य को आप अपने अपने लेवल पर गठित कीजिए, तो आप अपनी कमियों को निकाल पाएंगे और अपने जीवन में क्या अच्छाइयां हो सकती है और कहां क्या बातें लागू की जा सकती है, उन बात को आप लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। दो बातें हुई यहां, प्रमाद को छोड़ करके यदि काम करेगा तो बस अधे पतन हो जाएगा, और प्रमाद रख कर, प्रमाद को छोड़ करके मतलब सॉरी प्रमाद को छोड़ के करेगा तब तो सही होगा, और प्रमाद को रख करके करेगा तो फिर अब दो ही चीज हो सकती है, या तो प्रमाद रख लो या कुशलता। बोलो, तुम प्रमाद रखोगे तो कुशलता से काम नहीं होगा, और तुम यदि कुशलता चाहते हो तो प्रमाद तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के हर काम में, नहाने में, खाने में, सोने में, उठने बैठने में, चलने में, काम करने में, घर की साफ सफाई में, कहीं जाने आने में, सब जगह पर अप्रमादी हो, अप्रमादी हो। देखो इधर 509 पर आ जाओ, और जो राजा प्रमाद के वश होकर अपने राज्य के योग क्षेम पर विचार नहीं करते, आलस्य में पड़े रहते हैं, उनके राज्य का सहज ही अधे पतन हो जाता है। करिष्यामी करिष्यामी क्या है, करूंगा करूंगा, अब कर लूंगा। बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा था हमने, शिवराज विजय नाम का एक वो है उपन्यास संस्कृत का, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें एक हाथी का प्रसंग बतलाते समय, हाथी और भंवरे का प्रसंग बताते समय इस तरह के बहुत मार्मिक नीतिकारों ने श्लोक दिया था। उन्होंने कहा भंवरा वो फूल की कमल की सुगंध लेने के लिए उसमें चला गया, और सांझ होने पर वो कमल पंखुड़ियां बंद हो गई। भंवरे में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी को भी चीर करके निकल जावे, लकड़ी के संदूक में बंद कर देना उसे, तो उसे चीर के निकल जावे, इतनी ताकत है उसमें। कमल की पंखुड़ियों में बंद है और सुगंध ले रहा है, और वो पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है इसलिए बोल नहीं रहा मैं, भूल गया मतलब। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो सोचता है, सुगंध लेता हुआ विचार करता है
कमल की पंखुड़ियां हैं, अभी निकल जाऊंगा, थोड़ी देर और सुगंध ले लो, थोड़ी देर और सुगंध ले लो, ये क्या है, इनमें दम क्या है कमल की पंखुड़ियों में, अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा। योग्यता बहुत है, आपकी योग्यता प्रमाद की वजह से बर्बाद हो जाती है। योग्य से योग्य व्यक्ति भी प्रमाद की वजह से बर्बाद होते हुए देखे गए हैं, खत्म हो जाएगी वो सारी स्थिति। आपकी शिक्षा दीक्षा योग्यता काबिलियत, वो सारी काबिलियत धूल चाटने लगेगी यदि आप प्रमादी हैं तो। और फिर क्या होता है, उस श्लोक की बात करता हूं, संस्कृत श्लोक की। वो कमल के बीच में बैठा हुआ वो भंवरा, वो पड़ा रहता है उसमें, उसमें बंद रहता है, बंद रहता है, और बंद करते करते सुगंध लेते लेते थोड़े देर बाद में क्या होता है, आधे पौन घंटे बाद, थोड़ी देर बाद उधर से एक हाथी आता है, और वो हाथी अपनी सूंड में उस कमल को पकड़कर उखाड़ करके जमीन पे पटक देता है, और वो कमल जब प्रातः काल खुलता है तो उसमें मरा हुआ भंवरा मिलता है, या वो कमल को उखाड़ दिया तो उसके साथ साथ में वो भंवरा भी मर गया, खत्म हो गया, उखा भी देता है, खत्म भी हो जाता है, कुल मिलाकर के वो प्राणांत हो जाते हैं। ये इतना खतरनाक है प्रमाद, जहां प्रमाद आने लगे वहां जागरूक हो जाओ कि विनाश की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। जिस फील्ड में प्रमाद आने लगे, आलस आने लगे, निद्रा हावी होने लगे, नींद हावी होने लगे, ये तो क्योंकि अभी मौसम प्रमाद का आने वाला है, धीरे धीरे जाहिर है, रजाई और चादर ओढ़ करके सोते रहो, ठंड है थोड़ा सा और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, अभी अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे, फिर क्या हुआ, इतनी देर में ट्रेन छूट गई, घड़ी देखी तो 8 बजे समय निकल गया, अलार्म तो 5 बजे का लगाया था, सही बात। तो ये प्रमाद कितना खतरनाक है, देखो आप दोनों तरह के लोगों के लिए कह दिया, जिन्हें अपनी गृहस्थी को व्यवस्थित चलाना हो राज्य शासन व्यवस्था के समान, वे प्रमादी न बने, और जिन्हें मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थी होकर तपश्चरण करना हो, कदम बढ़ाने हो मोक्ष मार्ग में, वे भी प्रमादी न हुए। अरे ऐसे ऐसे तक वाक्य मिल जाएंगे, तलाशेंगे शास्त्रों में तो, कि जैन श्रावक कभी प्रमादी नहीं होता, और प्रमादी सच्चा जैन श्रावक हो नहीं सकता। लो जैनत्व का लक्षण कह दिया है, क्यों प्रमादी होगा, कौन पानी छाने, कौन कौन मर्यादा का आटा लेवे, क्या कौन कौन समय से बनावे, अभी तो ठीक है अब पड़ा है, मना बना करके रख लो उनको फ्रिज में। लंदन वगैरह में तो ऐसी स्थिति होती है, फ्रिज खोल करके देखो तो उनमें टैग लगे रहते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, एक आपकी सब्जी है ये सोमवार तक चल सकती है, ये मंगलवार तक चल जाएगी, ये तो आज की बनाई हुई है, एक दिन कैसा फ्रेश है ना, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है, 4 दिन पहले ही बनाई थी सब्जी अभी ताजा ही है। ऐसे प्रमादी लोग कैसे धर्म कर पाएंगे बताओ, ये चरणानुयोग हमें प्रमादी नहीं होने देता। आप जानते हैं चारों अनुयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग हमें हिम्मत नहीं हारने देते, प्रेरणा हिम्मत नहीं हारने देते, प्रथमानुयोग देखो उन महापुरुषों को हिम्मत नहीं हारने देगा प्रथमानुयोग। सही बात है, आटा नहीं रखते हैं आज भी हमारे घर में, मतलब आटा ऐसे आप आटा फ्रिज में रख दो, शाम का आटा सुबह रख दो, नहीं चलेगा, अवक्ष्य है वो, रात फिर जाने के बाद वो अवक्ष्य हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा था, प्रथमानुयोग हिम्मत नहीं हारने देता, चरणानुयोग प्रमादी नहीं होने देता, कर्णानुयोग गलत राह पर नहीं चलने देता, और द्रव्यानुयोग श्रद्धा से विचलित नहीं होने देता। 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग हिम्मत नहीं हारने देता, हिम्मत रखो
अरे तो तुम्हारे जी कौन दुख है, देखो इनको हिम्मत नहीं हारने दे रहा। प्रथमानु योगी कह रहा है ये साहब बहुत खतरनाक है, आप इनके साथ रहो तो आपको पता लगे। क्या अच्छा इतने खतरनाक है, रावण जैसे तो नहीं, रामचंद्र जी जैसे तो नहीं है, तुम्हारे सास ससुर ऐसे तो नहीं है जो किसके अंजना अंजना के सास ससुर जैसे तुम्हें घर से निकाल दिया, जंगल में छुड़वा दिया, ऐसे तो नहीं है। बोलो तो विचार करो, प्रथमानु योग तुम्हें हिम्मत नहीं हारने देता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भवर देवी जी गोधा, लवाण जिला दौसा राजस्थान।